अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन बाई के पी ठाकुर कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 240 हिंदी टू इंग्लिश पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में कॉन्टैक्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश पैसेज 149 ऑफ 240 एग्जाम में आया हुआ पैसेज है। छोटा सा पैसेज है तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके ये पैसेज कॉपी में खुद से सॉल्व करिए। अभी संग संग मैं आंसर बताऊंगा तो उससे आप मिला लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आजकल अपना देश संकट काल से गुजर रहा है। नाउ अ डेज आवर कंट्री इज पासिंग थ्रू द period of crisis. लोग प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। People are worried about the rising cost, increasing dearness day by चीजों की कीमत आकाश छूती जा रही है। द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स आर स्काई हाई। भ्रष्टाचार के बारे में कहना ही क्या। What to say about corruption? चारों तरफ असामाजिक तत्वों का ही बोलबाला है। There is influence of anti social elements everywhere. ठीक है, छोटा पैराग्राफ था, एग्जाम में आया हुआ, ट्रांसलेशन हो गया हमारा पैराग्राफ ट्रांसलेट। अब आप जो कॉपी में खुद से पैराग्राफ ट्रांसलेट किए वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं पढ़ना चाहूँगा कि आप किस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। आइए वोकैबुलरी लिखते हैं ताकि आपका स्पेलिंग सही हो। हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन 149 of 240 vocabulary. आजकल nowadays बढ़ती increasing संकट crisis काल period प्रतिदिन day by day लोग people परेशान worried महंगाई rising cost देश country each thing कीमत price आकाश sky भ्रष्टाचार corruption चारों तरफ एवरीवेयर असामाजिक एंटी सोशल तत्व एलिमेंट बोलबाला इन्फ्लुएंस। ठीक है,